हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा DIY बनाऊंगी जो कि मल्टीपर्पज़ DIY है। तो उसके लिए मैंने ये मेरी पुरानी कुर्ती ले ली है और ये मैंने 20 इंच पर इस पे निशान लगा लिया है। और इस तरह से 20 इंच पे निशान लगा के और सभी निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और अब इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो ये कुर्ती है उसका जो ये हिस्सा है वो रहेगा 10 इंच का और साइड से ये 22 इंच का रहेगा। और इस तरह से हमें इसका जो चौड़ाई है वो हमें अपने जो जिप है उसके अकॉर्डिंग ले लेनी है। और ये है 9.5 इंच और यहाँ पर कपड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसको बीचों बीच से कट कर लिया है और दो हिस्से मैंने इसके कर लिए हैं। फिर इसके बाद हम कोई भी जो ये बैग आता है पेपर बैग उसका इस्तेमाल करेंगे लाइनिंग के लिए। तो इसको मैंने पूरी तरह से खोल लिया है और उसके बाद जो कपड़ा कट किया था उसका एक हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद सबसे पहले कपड़ा रखेंगे, बीच में लाइनिंग और नीचे फिर कपड़ा और चारों तरफ से इसकी सिलाई कर लेंगे। और ये देखिए, सिलाई करने के बाद ये रेडी हो गया है। फिर इसके बाद जो छोटा प्रिंट वाला कोई भी कपड़ा आपके पास है तो उसे हम ले लेंगे और 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर आप जो छोटा प्रिंट है उसी का कपड़ा लेंगे तो आपको अच्छा ये DIY लगेगा। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर एक किनारी पे इसे रखेंगे और दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। और इसे मोड़ते हुए मैंने सिलाई लगा ली थी। फिर जो इसके एक्स्ट्रा किनारे हैं उसको भी इस तरह से काट लेंगे। और फिर जो बचा हुआ कपड़ा है उस पर हम 6 इंच पे निशान लगा के और इसको भी दोनों निशानों को मिला के और बीच से काट लेंगे। और फिर इसके बाद इसको हम जो दूसरा किनारा है कपड़े का उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसमें केवल हमें ऊपर वाला हिस्सा है उसी को सील लेना है। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमें नहीं सीलना है, केवल एक तरफ से ही सिलाई लगाने के बाद अब जो ये नीचे ओपन हिस्सा है यहाँ पर 1/2 इंच निशान लगा लेंगे। और फिर इसके बाद इसके ऊपर हम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपना मनपसंद। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है पर आपको पेंसिल से ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर पेन से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इस निशान के ऊपर मैंने पेन से इस तरह ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अभी ये निशान थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस तरह से आपको डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है। फिर इसके बाद इसके 1/2 इंच का गैप रखते हुए निशान के साइड से हमें इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को। और जो इसके अंदर की किनारी हैं उसको भी हम इस तरह से कट करते जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। और इस तरह से कट करने के बाद अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम इसको यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जो ये कपड़ा है ये निकलेगा नहीं। इस तरह से हम पिन से इसे सिक्योर करते जाएंगे। और ये देखिए, इस तरह से मोड़ते हुए इसकी किनारी को और फिर इसके बाद साथ साथ में पिन अप करते जाएंगे। और जो ये किनारी है इसको हम बिल्कुल निशान तक इस तरह से कट लगा लेंगे। हमें निशान को एकदम से काटना नहीं है, बस उसके साइड पर हमें इस तरह कट लगाने हैं ताकि जो हम ये फोल्ड करें ये आसानी से फोल्ड हो जाए कपड़ा और कपड़े में खिंचावट ना रहे। और ऐसे इस पर पिनअप कर लेंगे। और ये देखिए, जो ये कट करने के बाद आसानी से ये कपड़ा फोल्ड हो रहा है। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर पिन लगाते जाएंगे साथ साथ। इस तरह से पिन लगा के और पहले कपड़े को फोल्ड करके जब आप मशीन से सिलाई लगाते हैं तो एकदम से फिनिशिंग के साथ सिलाई आती है। और जो ये एक्स्ट्रा किनारे का कपड़ा था इसको भी मैंने कट कर लिया है और इसको भी फोल्ड कर दिया है। और इस तरह से आपके बचे हुए कपड़े का भी रीयूज़ हो जाएगा
और एक अच्छा सा DIY बनके रेडी हो जाएगा। और ये देखिए पूरा डिज़ाइन यहाँ पर जो ड्रॉ किया था उसी के ऊपर से कट किया हुआ और इसको फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सिलाई मशीन से जिगजैग सिलाई मशीन से यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है तो आप नॉर्मल सिलाई भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये जिगजैग वाली मशीन है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर से जिगजैग वाली सिलाई लगा ली है। और अच्छी तरह से ध्यान से सुइयों को हटाते हुए और आप इसके ऊपर प्रॉपर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर जो आप कपड़ा लें वो अलग अलग कलर के दोनों कपड़े आपके होने चाहिए, तभी आपका जो ये डिज़ाइन है ये अच्छे से निकल कर आएगा। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन रेडी हो गया है। फिर अब इसके बाद हम इसके ऊपर आइज़ बनाएंगे। तो इस तरह से आपको आइज़ को ड्रॉ कर लेना है पेंसिल से और फिर इसके बीचों बीच हमें एक हार्ट शेप में छोटा सा हार्ट बना लेना है और इसको भी हम जिगजैग वाली सिलाई से फिल कर लेंगे। और आप चाहे तो इसे हाथ से भी सिलाई मशीन की बजाय सुई से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम जिप को रखेंगे और अटैच कर लेंगे और नीचे की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे किनारे को भी पकड़ेंगे और उसके ऊपर भी इस तरह से जिप को अटैच कर देंगे और फिर इसके ऊपर भी मशीन लगा लेंगे। ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, इस तरह से ये रेडी हो गया है पर्स। और फिर उसके बाद इसको हम इस तरह से जो ये डिज़ाइन वाला कपड़ा था इसको एक तरफ रख लेंगे और दो दो इंच का निशान हम ऊपर से लगा लेंगे और इस जिप वाले हिस्से को अंदर की तरफ कर लेंगे और नीचे से भी इसके चारों तरफ से हम इसके ऊपर पेन से निशान लगा लेंगे और चैन को आगे की तरफ हम कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से और फिर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले इसको हम पलट लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। निशानों को देखिए ध्यान में रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा हमें इस पर सिलाई लगानी है अंदर की तरफ से। और ये सिलाई लगा के मैंने DIY पर्स को रेडी कर दिया है और इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है और ये एकदम इजी रेडी हो जाता है। फिर इसके बाद इसकी जो किनारी है उसको भी हम छोटा छोटा कट करके काट लेंगे और फिर उसके बाद इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पाउच को हम सीधा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर डोरी भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस पर डोरी अटैच नहीं की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और इस तरह से इसको हमने ओपन कर लिया है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पर्स आपको कैसा लगा। और इस तरह से आप ये पाउच अपने बच्चों के लिए या अपने लिए भी रेडी कर सकते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं इस तरह के पाउच। तो दिखाते हैं, देखिए ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है 9x8 इंच। ये जो हमारा DIY पाउच है ये बनके रेडी हुआ है। और इस तरह से आप इसमें अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हैं और कहीं भी सफ़र पर ले जा सकते हैं या फिर ऐसे ही डाल के रख सकते हैं या फिर आपके बच्चे इस तरह से पेंसिल बॉक्स की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।